श्राद्ध है भाई, श्राद्ध है, एसएससी का श्राद्ध है, ये आप एसएससी का श्राद्ध क्यों कर रहे हैं भाई? इतने दिनों से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ करीबन 8-9 दिन हो गया है, हम लोगों की मरणासन्न जैसी स्थिति हो गई, क्या इन लोगों को सामने समझ में नहीं आता? ये हम लोगों का श्राद्ध श्राद्ध है, ये हम लोगों के अंदर से निकला हुआ वो आक्रोश है जो हमने मेहनत करी इतने दिनों से मेहनत करने के बाद में आज कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला, और जब हम लोग सबूत देने की कोशिश कर रहे हैं, सबूत भी हमारे हर जगह से मिटाए जा रहे हैं भाई, क्यों ख़त्म किए जा रहे हैं सबूत, क्यों हमको हर तरीके से दबाया जा रहा है, लगातार हमारे प्रोटेस्ट को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है, हमारे हक आंदोलन को कम करने की कोशिश की जा रही है, क्यों की जा रही है? मैं ये जो देश है ना, हमारे संसार का सबसे युवा देश है, और इस युवा देश के हम प्रधानमंत्री से ये अपील करते हैं, हाथ जोड़ करके ये अपील करते हैं, क्यों नहीं आखिर हमारी मांग सुनी जा रही है? आपको पता है कल वाले दिन जितेंद्र सिंह ने बयान किया, वो उनका संवैधानिक अधिकार है, बैठे रहे उनकी मांग मान ली गई है, कौन सी मांग मान ली गई, किस तरीके से मान ली गई, हमको लिखित अभी तक कुछ मिला नहीं है, अभी हम आपसे कहते हैं कि हमको आपको खाना खिलाना है ले जा करके, ये तो बताया नहीं क्या खिलाना, ले जाके आपको जहर खिला दें फिर हमारा संवैधानिक। आपके बीच में जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जो सत्ताधारी हैं उनके सांसद मनोज तिवारी जी भी आए थे, अरे वो लगातार यहाँ पर इसी तरीके से आते हैं, और उन्होंने कोई आश्वासन कोई समर्थन नहीं किया हमारा, लेकिन वो तो सत्ता में, उन्हें तो जांच करानी चाहिए। हाँ तो बिल्कुल करानी चाहिए, वही कह रहा हूँ, यहाँ पर आकर के जांच करवानी चाहिए, जबकि बीजेपी जिसकी पार्टी है जिसकी सरकार है वो यहाँ आकर के लगातार झूठ बोल करके हमारे इस हक आंदोलन को तोड़ने का लगातार उन्होंने प्रयास किया, जितनी बार भी आए और बैठ करके मीडिया में जाकर के यही बोला कि हमने उनकी मांगें मनवा ली गई, सारा कुछ मान लिया गया, और अकेले ने साथ में भी खड़े होकर बुलवा रहे, और यहाँ पर जो उन्होंने समर्थन किया था हमने उन्हें बोला था यहाँ पर समर्थन मत करो, आप संसद भवन खुला वहाँ मांग उठाओ, वहाँ भाई क्यों नहीं उठाई गई हमारी मांग, किस लिए नहीं उठवाई गई? दूसरी बात, मैं इस गृह मंत्रालय से कहना चाहता हूँ कि हमने चुन करके भेजा है आपको वहाँ, ये हमारा हक बनता है, हमारा अधिकार बनता है कि मैं आपसे अपनी मांग कर सकूँ और हमारी मांग की सुनवाई कर सकूँ, क्यों नहीं सुनवाई करना चाहते हो? अब कितने एविडेंस मैं दिखाऊँ, अब फिर ऊपर से आप कहते हो लगातार एविडेंस दिखाओ भाई, मतलब भरको एविडेंस दे तो दिए हैं हमने, और कितने एविडेंस मैं दिखाऊँ आपको?